नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा मल्टीपर्पज़ रिक्वेस्ट फॉरम को भरना। तो दोस्तों अगर मतलब कि आप चाहते हो अपने मोबाइल नंबर चेंज करवाना या अपने जो भी अकाउंट है आपका किसी भी बैंक में उसमें आपको अपने मोबाइल नंबर ज्वाइन करवाने हैं, तो आपको मतलब कि जैसे ये ओनली ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ही मिलेगा आपको ये मल्टीपर्पज़ रिक्वेस्ट फॉरम। तो आप इसमें मतलब कि अपने अकाउंट नंबर है वो कैसे ज्वाइन करवा सकते हो, या मतलब कि आपके ऑलरेडी ऐड है तो आप उनको कैसे चेंज करवा सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक फॉर्म भरना पड़ता है जो आपको बैंक अधिकारी के द्वारा दिया जाता है बैंक से। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हो। तो दोस्तों आपको फर्स्ट में तो जैसे यहाँ पर है नेम एंड एड्रेस, तो यहाँ पर आपको पूरा अपना प्रॉपर नाम डालना है और यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस डालना है, जैसे जो भी डिस्ट्रिक्ट टाउन तहसील जो भी आपका स्टेट वगैरह जो भी है वो यहाँ पर आप डाल देना। इसके बाद आपको जो भी आज की डेट है जिस दिन आप मतलब इसको जो फॉरम है इसको आप सबमिट कराओ वो डेट यहाँ पर आप डाल देना। तो इसके बाद आप इधर आ जाइए, इधर आपको जो भी आपकी बैंक शाखा है ब्रांच मैनेजर है यानी कि जो भी आपकी शाखा है उसका नेम यहाँ पर आप डाल देना। इसके बाद आपको जैसे यहाँ पर सो रहा होगा जैसे SBCD टर्म है डिपॉजिट RDS AC नंबर, तो यहाँ पर आपको SB पर क्लिक करना है। SB मतलब कि सेविंग बैंक, और यहाँ पर आपको अपने अकाउंट नंबर टाइप कर देने हैं यानी आपको अपने अकाउंट नंबर यहाँ पर लिख देने हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी है यहाँ पर सबको छोड़ देना है, आपको जो चीज़ करवानी है आपको सीधा उसके ऊपर चलना है। तो यहाँ पर आपको मतलब कि अपने अकाउंट नंबर चेंज करवाने हैं तो आपको नीचे जैसे यहाँ पर 14 नंबर पर आपको सो रहा होगा चेंज ऑफ एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर, तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर है जो भी आपको चेंज करवाने हैं मोबाइल नंबर वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आप लिख देना। लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, लिखने के बाद आपको इस फॉर्म को बैक में चलना है। बैक में चलने के बाद आपको ऊपर कुछ भी नहीं करना है क्योंकि इस फॉर्म में मतलब कि आपको काफ़ी मतलब कि प्रॉब्लम्स होती है जिनका आपको मतलब कि समाधान हो सकता है, लेकिन आपको उसी प्रॉब्लम पर आपको चेक मार लगाना है जिसको मतलब कि आपको सॉल्व करवाना है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप अपने अकाउंट नंबर जो भी है चेंज करवा सकते हो वहाँ पर, तो यहाँ पर बैक पे आ जाते हैं। बैक में आने के बाद आपको यहाँ पर सो रहा होगा फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो यह काम मतलब बैंक के अधिकारियों के द्वारा ही किया जाएगा, यहाँ पर आप कुछ भी मतलब कि छेड़खानी मत करना। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है यूअर फेथफुली, तो यहाँ पर आपको जो भी अपने सिग्नेचर है आपके जो भी सिग्नेचर है आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने। सिग्नेचर करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना, इस फॉर्म को आप ले जाइए। ले जाने के बाद जो भी आपके बैंक अधिकारी है उसके पास ले जाइए इस फॉर्म को और उसको दे दीजिए। तो इसके बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम है यानी मतलब कि आपको अपने अकाउंट नंबर चेंज करवाने हैं, यानी अकाउंट नंबर नहीं सॉरी आपके अपने मोबाइल नंबर चेंज करवाने हैं, तो आपके यानी हाथों हाथ या कुछ दिनों में आपके मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा, वो OTP आपके वेरीफाइड मोबाइल नंबर पर आ जाएगी। तो दोस्तों ऐसे मतलब कि आप अपने मोबाइल नंबर अपने अकाउंट नंबर से ज्वाइन करवा सकते हो या चेंज करवा सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो इसके लिए एक लाइक कर देना। तो मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ नॉलेजेबल वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना और कमेंट करके बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो बस मिलते हैं एक नए वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत गुड बाय।